दरअसल बताते चलिए कि अमिताभ बच्चन और रेखा जया बच्चन की फिल्म आई थी सिलसिला, और उसके क्लाइमैक्स का किस्सा था। क्लाइमैक्स का जब शूट चल रहा था तो रेखा ने कुछ ऐसा किया था कि सब देखते रह गए थे। अमिताभ ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, पर उनका गुस्सा जया बच्चन पर निकला था। जी हाँ, दरअसल बताते चले कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने भले ही दर्शकों में साथ में काम न किया हो, लेकिन एक दूसरे के सामने आने से वो बचते हैं। पर आज भी उनके रिश्ते की चर्चाएं होती है। दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अमिताभ और रेखा ने साथ में कई हिट फिल्में दी हैं। इनमें से एक फिल्म रही यश चोपड़ा की सिलसिला, जिसमें जया बच्चन भी थी। अमिताभ और रेखा के अफेयर की कहानियों से जया अच्छी तरह से वाकिफ थी, पर तमाम मतभेदों और असुरक्षा की भावना के साथ वो यश चोपड़ा के समझाने पर सिलसिला में साथ काम करने को तैयार हो गई। लेकिन सिलसिला के क्लाइमैक्स शूट के दौरान रेखा ने कुछ ऐसा कर दिया था कि अमिताभ का सारा गुस्सा जया पर निकल गया और वो बेचारी खड़ी रोती रही। आखिर ऐसा क्या हुआ था और सिलसिला के क्लाइमैक्स को कैसे शूट किया जाना था, आइए जानते हैं। दरअसल बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिलसिला का क्लाइमैक्स मुंबई फिल्मी सिटी में शूट किया जा रहा था। सेट तैयार किया गया और एक आग वाला सीन शूट करना था, जिसमें कि प्लेन क्रैश हो जाता है। उस आग में संजीव कुमार फंस जाते हैं और रेखा उन्हें बचाने के लिए दौड़ती हैं। अमिताभ और जया बच्चन भी संजीव कुमार को बचाने के लोकेशन पर पहुँचते हैं, और तभी अमिताभ बच्चन संजीव कुमार को बचाने दौड़ते हैं तो जया रेखा का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और उन्हें बाहर ढकेल देती है। कायदे के से इस तरह सीन शूट किया जाना था, लेकिन सीन शूट किए जाने से पहले रेखा ने कैमरामैन से कहा कि एक शॉट एक ही टेक में शूट किया जाए। उसके बाद रेखा ने कहा था कि अगर वो उस सीन के लिए कोई रीटेक नहीं देंगे, फिर चाहे शॉट ढंग से लिया जाए या नहीं, वो चली जाएंगी। खैर, सीक्वेंस की शूटिंग शुरू हुई। जैसे ही जया बच्चन ने रेखा को धक्का दिया तो उन्हें धकेलने के चक्कर में जया भी फ्रेम से बाहर चली गई, और जबकि जया को फ्रेम में रहकर ही कैमरे की तरफ देखना था, लेकिन कैमरे में सिर्फ उनका दुपट्टा ही नजर आ रहा था। बताते चले कि रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा जानती थी कि शॉट सही से नहीं हुआ है, पर उन्होंने परवाह नहीं की और वो कार में बैठकर चली गई। कैमरामैन को यकीन नहीं हुआ, उसे लगा कि रेखा मजाक कर रही होंगी, इसीलिए इस बारे में उसने यश चोपड़ा को भी नहीं बताया था। पर पूरी यूनिट एकदम शॉक में आ गई। वहीं अमिताभ बच्चन कुर्सी डालकर बैठे थे और सब कुछ वो बकस खाली देख रहे थे, लेकिन अमिताभ ने आंखें तरते हुए जया को देखा और उसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि रेखा क्यों चली गई। जया रोने लगी और अमिताभ से कहा कि उन्होंने रेखा से कुछ नहीं कहा, पर रेखा ने सेट पर वापस आकर शूट करने से इनकार कर दिया। बताते चले किसी के साथ अमिताभ और रेखा की ये साथ में आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने फिर कभी भी साथ में काम नहीं किया। हालांकि एक इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था कि अगर उन्हें मौका मिला और अच्छी स्क्रिप्ट भी तो वो रेखा के साथ फिर से काम करना जरूर चाहेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेखा अमिताभ की जो लव स्टोरी है उस पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी है, क्या कुछ सोचते हैं आप इन दोनों को लेके, क्या आप इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं फिल्मों में, आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेडीज सब लोगों को जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइफ।